आज मुकु भाई हाथ रे आज गोटे ट्रेन आम अंचल रु संबलपुर अनुगुल तालचेर आउ रेला खोल देकी कहीं रेला खोल देकी कहीं रेला खोल देकी संत कवि भीमा भाई विषय मानवर मुकु भाईना सका भुवनेश्वर सभार आदेश दे अश्विनी यही ट्रेन रो नाटा हेबा कथा महिमा गोसाई अश्विनी तो सान भाई जहा मुकु भाईना आदेश देले तुरंत ट्रेन रो नाटा संबलपुर शालीमार एक्सप्रेस रु बदल कि कौन करा गला कौन ट्रेन रो ना हेला महिमा गोसाई एक्सप्रेस महिमा गोसाई एक्सप्रेस बहुत खुशी बहुत खुशी जना पड़ूनी खुशी हेले जना पड़वा कथा भल कर जनातु टे मुकु माना बहुत जोर ताली बजातु समस्ते छिड़ा है कि मुकु माना ताली बजातु जोर से छिड़ा है कि समस्ते समस्ते छिड़ा हूं एत ताली बजातु से बसी पारे नहीं आउ जोर ताली बजातु मुकु माना को बसई दबा नहीं आम एत ताली बजातु बहुत धन्यवाद एमती है खुशी जब भी कुछ समस्या आता है कुछ इश्यू आता है बहुत एनालिटिकली सोच समझ के हमको समझाता है। अभी भी कुछ चीज़ों में सुबह कल हमारे बात हो रहा था, बहुत साइंटिफिकली एनालिसिस करता है, इसके कारण हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत सुविधा होता है। ऐसे नेता को ये जिला ने दे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे प्रभारी भी थे 2008 में, जब पहली बार हमारा सरकार कर्नाटक में हमने सरकार रचाया था, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारा प्रभारी थे। तो ऐसे बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है, अनुभवी नेता है। और इस दूर दराज के इलाके में एक केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का निर्णय अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का और एक मैं विशेषता आपको बताऊं तो, ये बहुत नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, ये सब काम किया है, युवा मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट थे, सब किया है। लेकिन जब इस तालचेर एरिया का, इस अनुगुल बलराम एरिया का, ओवरऑल ओडिशा का काम आता है, तब ऐसे तो हम जूनियर मंत्री है उनके हिसाब से, उनके 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 सीनियरिटी से, लेकिन हमारा चैम्बर तक आ जाता है। तो हम कभी कभी बोलते हैं धर्मेंद्र जी हम आ जाएंगे आपके चैम्बर में, नहीं नहीं मेरा ओडिशा का काम है, मेरा तालचर का काम है, मैं आके करा दूंगा।